हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी का एक अपडेटेड नया सर्कुलर से इन्फॉर्मेशन देने चाहूँगा चेंज ऑफ रिसर्च सेंटर के ताल्लुक से। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये बात बताई है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स काफ़ी इस चीज़ से परेशान हैं कि वो अपने रिसर्च सेंटर को किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने एडमिशन फॉर्म के वक्त, फॉर्म फिलिंग के वक्त जो रिसर्च सेंटर लिया था और यूनिवर्सिटी ने बाद में कुछ नए सेंटर्स और कुछ नई सीट्स को डिक्लेयर किया था, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स में काफ़ी कंफ्यूजन था कि वो रिसर्च सेंटर को चेंज करना चाहते हैं। और यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ की वजह से अभी यूनिवर्सिटी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कल एक सर्कुलर निकाला है जिसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो रिसर्च सेंटर को किस तरह चेंज कर सकते हैं। आपके सामने ये सर्कुलर दिख रहा होगा, इस सर्कुलर में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड एग्जेम्प्टेड इन PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 व्हिच वाज कंडक्टेड ऑन 5th सितंबर needs to appear for interview in subsequent phase at research center opted while filling up the examination form. आपने जो form 5th September को जो examination में आप declared हुए, qualified हुए, exempt हुए और form filling के वक्त आपने जो research center opt किया था, आपका interview वहाँ पर होगा। In view of final revised vacant positions of research guide centers for PhD course and the same has been updated on university website. जैसा कि यूनिवर्सिटी ने रिसर्च गाइड की सीट और रिसर्च सेंटर की सीट को रिवाइज किया हुआ है, इसके लिए पुणे यूनिवर्सिटी ने एक नया ऑप्शन दिया है, दैट इज ऑप्शन ऑफ चेंज ऑफ रिसर्च सेंटर इज बीइंग मेड अवेलेबल ऑनलाइन एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने रिसर्च सेंटर को चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। द सेम विल बी अवेलेबल अप टू 9th अक्टूबर। अप टू 9th अक्टूबर तक के ये ऑप्शन आपके लॉग इन में अवेलेबल हो जाएगा। ये सर्कुलर में ये इन्फॉर्मेशन है कि आपने जो फॉर्म फिलिंग के वक्त जो रिसर्च सेंटर आपने फिल किया था, आपका इंटरव्यू वहां होने वाला है। लेकिन जैसा कि पुणे यूनिवर्सिटी ने सभी PhD गाइड की सीट्स हो गई, रिसर्च सेंटर के सीट्स को रिवाइज किया हुआ है, सीट को रिवाइज करने की वजह से पुणे यूनिवर्सिटी ने रिसर्च सेंटर को चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल किया है, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल होने वाला है अप टू 9th अक्टूबर। आगे सर्कुलर में ये बताते हैं द कंसर्न कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू नोट द कंटेंट्स ऑफ द सर्कुलर एंड इफ रिक्वायर्ड दे मे चेंज द सेंटर यूजिंग द ऑप्शन। कैंडिडेट्स के ऊपर है, उनके पास ऑप्शन है, अगर वो चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं। फर्दर इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म नॉट टू सबमिट डॉक्यूमेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफिस इन केस ऑफ चेंज ऑफ सेंटर्स। आपको सेंटर चेंज करने के लिए यूनिवर्सिटी में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके लॉगिन में जाके आपको ऑप्शन को वहां पे चेंज करना है। इन केस ऑफ नो चेंज इन सेंटर प्रीवियसली ऑप्टेड रिसर्च सेंटर विल बी रिटेन्ड एज इट इज। अगर आपको सेंटर चेंज नहीं करना है तो आपने एडमिशन फॉर्म के वक्त, फॉर्म फिलिंग के वक्त जो भी आपने रिसर्च सेंटर लिया है वही रिसर्च सेंटर आपका अवेलेबल रहेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, अभी तक के लॉगिन के अंदर, स्टूडेंट्स के लॉगिन के अंदर ऑप्शन नहीं आया हुआ है, लेकिन 9th अक्टूबर तक के ये ऑप्शन आपके लॉगिन में अवेलेबल हो जाएगा और आपको रिसर्च सेंटर को चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको बताऊंगा, पुणे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे उन्होंने रिवाइज लिस्ट ऑफ गाइड्स एंड वैकेंट सीट भी डिक्लेयर कर दी। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट क्लियरली मेंशन है 1/10/2021, 1 अक्टूबर की डेट के हिसाब से यहाँ पे ने दिया हुआ है लिस्ट ऑफ गाइड्स एंड वैकेंसीज। जो रिवाइज्ड वैकेंट सीट है आप रिसर्च सेंटर के हिसाब से भी देख सकते हैं, उसी तरह एक लिस्ट यहाँ पे गाइड के हिसाब से भी अवेलेबल है, तो दोनों चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप पुणे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में भी जाकर आप लिस्ट ऑफ रिवाइज गाइड देख सकते हैं। जब आपको रिसर्च सेंटर चेंज करना है तो पहले आपको रिवाइज वैकेंट सीट्स को चेक कर लेना है कि आप जो रिवाइज रिसर्च सेंटर लेने वाले हैं उस रिसर्च सेंटर में कितनी सीट्स अवेलेबल है और कौन से सब्जेक्ट में कितने अवेलेबल है, कौन से गाइड के पास कौन सी सीट वैकेंट है, आपको ये देख कर ही आपको अपलोड करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लॉग इन को आप चेक करते रहें, 9 अक्टूबर से पहले आपके लॉगिन में सेंटर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेंटर चेंज करने से पहले आपको स्ट्रिक्टली अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, आप जो रिसर्च सेंटर ले रहे हैं वहां पे कौन से गाइड के पास कितनी सीट वैकेंट है, ये भी आप एक चीज देख सकते हैं। आगे जो भी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।